पर कहीं कहीं कुछ संत पुरुषों ने, महापुरुषों ने मन को मक्खी की तरह भी कहा है। अगर मन पवित्र है तो अच्छी जगह पे जाएगा, पर मक्खी की तरह कैसे? मक्खी को ये ज्ञान नहीं होता कि ये स्वीट है, मिठाई है, ये दूध है, ये मलमूत्र है, ये गंदगी है, ये जूठे बर्तन है, ये कोई जख्म है, ये कोई कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं, ये गंदगी है, वो कहीं भी बैठ जाती है और वहीं से बैठ के अपना आनंद प्राप्त करती है। साधको, सच में हमारा मन ऐसा है? आप देखें, हमारे मन के लिए जो गंदगी है उसके लिए सबसे ज़्यादा आनंद लेता है। कहीं पे कोई निंदा चुगली हो रही हो, किसी की बुराई हो रही हो, तो मन वहाँ पे बहुत आनंद लेता है। किसी की प्रशंसा हो रही हो तो मन वहाँ आनंद नहीं लेता, उसको आनंद नहीं आता, उसको मज़ा नहीं आता। करना क्या है आपको? क्या आप मन के डायरेक्टर बने, मन के कंट्रोल, मन को कंट्रोल करें? जब भी मन इधर उधर के ख्याल लाए तो वहीं से रोक दें कि भाई तेरा ये काम नहीं है। जैसे जो अच्छे मैनेजमेंट वाले हैं वो बाहरी रूप से अपने ऑफिस को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को पूर्ण रूप से मैनेज करते हैं, ऐसे ही आज से आप मन की मैनेजमेंट शुरू करें। पर मन को याद रखना कि मन मक्खी की तरह है, गंदगी की ओर जाएगा, ये गंदगी की ओर नहीं जाएगा।